हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन सेकंड का 9th पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था, आज हम 10th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्या पढ़ता, लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कि कहीं ज़ोर से हंस दूंगा तो भेद खुल जाएगा और निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुकी न सकी और उसका जो भांडा था वो खुल गया, मतलब भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चद्दर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा है, सोया है बेचारा, रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी और लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा हूँ भाभी, लेखक कहता है कि कल वाला बच्चा हूँ भाभी मैं, वहाँ से ज़ोर से भाग गया और दादी माँ के पीछे जाके मैं खड़ा हो गया। वास्तव किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो हम रक्षा का कवच मिल जाता है हमें। इसका संदर्भ प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम, उसके बाद में हमारे लेसन का नाम, उसके बाद रचयिता का नाम, उसके बाद में यहाँ पे लेखक अपनी जो दादी माँ का स्नेहपूर्ण व्यवहार है उसका वर्णन बता रहा है। व्याख्या, लेखक कहता है कि रात में जो महिलाओं का जो नाटक चल रहा था वो वहीं खड़ा था। जब वह लेडीज़ बारात जाने के बाद वो नाटक कर रही थी, वो उस बीच में वो वहीं खड़ा था। उसने कहा लड़कों और ब्रह्मा का, मतलब जो दादी जी है उन्होंने कहा कि लड़कों और ब्रह्मा का जो मन है एक समान होता है। कोई बात नहीं, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे चारपाई पर लेटाकर चादर उड़ा दी। मैंने चुप रहने की बहुत कोशिश की कि लेखक ने चुप रहने की बहुत कोशिश की परंतु भाभी की हंसी मजाक की बातें सुनकर मैं हंस पड़ा कि भाभी ने जिस प्रकार हंसी मजाक किया उस पर मैं हंस पड़ा। देबू की माँ ने चद्दर खींची, जो देबू की माँ है उन्होंने चद्दर खींची और वह बोली दादी माँ यह कौन सा बच्चा है, लाओ इसे मैं दूध पिला दूँ। फिर क्या, मेरे साथ उसने औरतों के साथ मिलकर हाथापाई शुरू कर दी। वहाँ की जो औरतें थीं उन्होंने साथ मिलकर हाथापाई कर दी, परंतु दादी माँ फिर बीच में आ गई। फिर दादी माँ उन लोगों के बीच में आ गई, मुझे बचाते हुए बोली यह लड़का है, इसका मन खराब नहीं है, ये लड़का है लेकिन इसका मन खराब नहीं है, इसको क्यों परेशान करती हो, इसको क्यों परेशान करती हो। अगले दिन देबू की माँ लेखक को मिली तो लेखक ने कहा भाभी कल वाला बच्चा हूँ, इतना कहकर वह तेज़ी से भाग गया। दादी माँ उसके पास खड़ी हो गई। लेखक दादी माँ के पीछे, मतलब पास में जाकर खड़ा हो गया। लेखक को लगता था कि कोई भी गलती होने के बाद, जो कोई भी गलती कर देते हैं उसके बाद में दादी माँ के पास जाकर रक्षा का कवच मिल जाता है, क्योंकि जब किसी के पीछे छुप जाते हैं तो हमें उसका रक्षा का कवच मिल जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है रक्षा का कवच, मतलब अभियान दान। सेकेंड क्वेश्चन है लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है, किसका कथन है, तो ये दादी माँ का कथन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहो दादी माँ यह बच्चा कौन बच्चा, सोया है बेचारा, रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ, किसने कहा, यह देबू की माँ ने कहा। फोर्थ क्वेश्चन है कि दादी माँ की छाया में खड़े होने पर लेखक ने क्या अनुभव किया, कि दादी माँ की छाया में लेखक जब खड़ा हुआ था तो उसे ऐसे लगा जैसे रक्षा का कवच मिल गया हो। इस प्रकार हमने आपका 10th पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया। आज का आपका होम टास्क है, इसके वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। अभी तक का जितने भी हमने वर्क करा दिया वह कंप्लीट करना है और साथ की इसको लर्न भी करना है। बाय बाय, थैंक यू।